क्वेश्चन नंबर दिया है 102। ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। अगर कुल लाभ 23,000 रुपये तो बी का लाभ याद करना है। हमने प्रॉफिट लॉस में एंड पार्टनरशिप में एक ही चीज याद रखनी है कि इन्वेस्ट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, पूंजी गुणा समय में हमारे लिए लाभ आ जाता है, हमें इतना बस याद रखना है। हमें पूंजी है, हमें क्वेश्चन में दी गई 1/6 ए की, एक बी की 1/3 दी गई है, और सी की हमें दी नहीं गई, हमें पता चल जाएगा सी की 1/2 कैसे है, क्योंकि 1/6 है ए की प्लस 1/3 है बी की, जब यहाँ पे करेंगे तो इनका रेशियो आ जाएगा 1/2। दो में से एक जो है ए बी की है, एक बचेगी इस दो में से, एक बचेगी दो में से, तो 1/2 किसकी हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। टाइम हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ए का 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 समय के लिए लगाता है, और सी पूरे समय के लिए लगाता है, हमने एक साथ मान लिया। हमें पता है कि प्रॉफिट हमें निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम हम गुणा कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट टाइम का गुणा किया हमने, तो 1/6 गुणा 1/6, 1/3 गुणा 1/3, 1/2 गुणा 1/2 आ जाएगा। जब हम गुणा करेंगे इनका तो 1/36, 1/9, 1/2 आ जाएगा। हम इनको जब हम इनको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 36 हमारा एलसीएम के साथ यहाँ पे आ जाएगा, कितना, एक आ जाएगा, यहाँ पे 9 6 36 तो 4 आ जाएगा, और 2 2 18 2 36 तो आ जाएगा। ए बी सी का प्रॉफिट का रेशो हमारा 1:4:18 आ गया। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें प्रॉफिट टोटल कितना हो रहा है, 23,000 हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है 23,000, तो हमारे लिए 23 दिया गया है रेशो, 23 की वैल्यू 23,000, एक की वैल्यू 1,000, हमें बी की वैल्यू निकालनी थी, 4 की वैल्यू 4,000 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 4,000, दैट्स आंसर। चार 103। ए कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, बी 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और सी बाकी पूंजी के पांच पूंजी को पूरे समय के लिए लगाता है, तो वे 1,140 रुपये का लाभ कैसे बांटेंगे, इस 1,140 का लाभ हो रहा है तो कैसे बांटेंगे। हमने बताया कि इन्वेस्ट इनटू टाइम, हमें टाइम भी दिया गया, इन्वेस्टमेंट भी दिया गया, तो हम दोनों गुणा कर देते हैं, तो हमें ए का इन्वेस्टमेंट दिया है 1/4, बी का इन्वेस्टमेंट दिया है 1/5, और सी का इन्वेस्टमेंट दिया है नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि बचे हुए भाग का कैसे निकालेंगे। ए का 1/4 दिया गया है इन्वेस्टमेंट, और बी का 1/5 दिया गया है इन्वेस्टमेंट, एलसी मिलेंगे तो 20 आएगा, और आ जाएगा 5 + 4, 9/20 आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो दिया गया है 20 का 9 वाला भाग ए प्लस बी का हो गया, और कितना बचा, 11, 11 बचा है 20 में से, तो 11/20 सी का हो जाएगा। यहां से हमने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया सी का, तो इन्वेस्टमेंट होगा 11/20 हो गया इंटू टाइम हो गया। अब हम इंटू कर देंगे, 1/16 हो जाएगा, 1/5, 1/2 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, और 11/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 80, 80 से 16 5 80, 10 80 और 20 चौके 80 और 4 11 44 हो जाएगा, ये 57 की वैल्यू आ जाएगी, 44 8 5 जोड़ेंगे 57, 57 की वैल्यू में क्वेश्चन में दी रही 11 40, एक की वैल्यू हो जाएगी 20, हमें अलग अलग निकालनी थी, 5 की वैल्यू 100 हो जाएगी, 8 की वैल्यू 180 160 हो जाएगी, 44 की वैल्यू 880 हो जाएगी, तो एबीसी की इस प्रकार हम लाभ बांटेंगे। एक बार 105 इसमें दिया है, ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/8 का लाभ का दावा करता है, बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया 1/3 का लाभ का दावा करता है, जबकि सी ने 1,560 रुपये 8 महीने में 8 महीने के लिए लगाए, ए बी के लिए पूंजी ज्ञात करनी है। इधर पे देखेंगे कि ए का जो लाभ का रेशो दिया गया, लाभ 1/8 दिया गया और बी का 1/3 दिया गया, इधर से हम सी निकालेंगे, 1/8 और 1/3 का जो एलसीएम आ जाएगा, यानी 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 24 में से 3 और 8 है, तो 11 जो हो गया वो ए प्लस बी दोनों हो गया, तो कितना बचा, 13 बचा, तो 13 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 13 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 13 24 का, तो हम यहाँ पे 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 24 का हम सब में गुणा कर देंगे,
चौबीस गुणा किया इसमें, चौबीस गुणा किया इसमें, चौबीस गुणा किया इसमें, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, आठ या चौबीस, आठ चौबीस, चौबीस चौबीस का आटा तेरह आ गया। अब हम करना क्या है कि टाइम दिया है और लाभ दिया है, तो हमारा क्या होता है P इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन टू टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट और टाइम दिया गया, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम, प्रॉफिट अपॉन टाइम करेंगे तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करेंगे तो प्रॉफिट आ गया तीन और नीचे आ गया टाइम, आठ बटे छः, तेरह बटे आठ, यानी ऐसे हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा कितना, चौबीस, चौबीस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब 24 आ गया तो इधर भी हम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ पे 39, ये रेशो आ गया। अब रेशो आ गया तो इनकी जो वैल्यू दी गई हमारे लिए, सी का लाभ हमें दिया गया, तो सी के लाभ की जो रेशो दिया गया 39, 39 की वैल्यू 1560, एक की वैल्यू 40, हमें ए और बी की ज्ञात करनी, तो ए का 18 और इसका 32 दिया है, ए बराबर कितना आ जाएगा 400, 720, और बी बराबर आ जाएगा 1260।